झारखंडवासी बारिश की फुहारों के बीच होली मनाएंगे। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक आने वाले 8 और 9 मार्च को छोड़ दिया जाए तो 12 तक हर रोज कहीं ना कहीं बारिश होने की संभावना है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में आंधी पानी और वज्रपात का सिलसिला अगले हफ्ते तक भी जारी रह सकता है। अभी से लेकर 8 मार्च तक झारखंड के सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 48 घंटों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश 21 मिलीमीटर हजारीबाग में दर्ज की गई है और उसके बाद राजधानी रांची का नंबर है। जो पिछले 24 आवर्स में झारखंड के लगभग सारे जिला में बारिश हुआ है और सबसे ज्यादा जो बारिश रिकॉर्ड हुआ है वो हजारीबाग में 21.4 मिलीमीटर और पालामू डिस्ट्रिक्ट में भी अच्छा रेन हुआ है जो 19.4 मिलीमीटर और हमारा इधर जो है जमशेदपुर में बारिश है। लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट में बारिश हुआ है। रांची में जो रिकॉर्ड हुआ है 8.6 मिलीमीटर और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो हम लोग नावकास्ट दिया था जो सेंट्रल पार्ट में काफी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी। पश्चिमी विक्षोभ का असर है। हिंदी में अगर बात करें तो काल बैशाखी के प्रभाव से आने वाले 8 मार्च तक तो बारिश होगी ही। 8 और 9 मार्च को 2 दिन बारिश रुकेगी और फिर 10 मार्च से 13 मार्च तक बारिश के नए फेज की शुरुआत होगी। इस दौर में झारखंड के तमाम जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। होली का दिन से फिर थोड़ा सा क्लाउडी रेन जो है 10 तारीख जो है नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है उसका छोड़ के बाकी लगभग सारे जिला में हल्का से मध्यम दर्जे का बारिश और लाइटिंग थंडरस्टॉर्म का चांस है। 11-12 थोड़ा सा और भी ज़्यादा बढ़ेगा तो 10 तारीख से फिर दोबारा बीच में 8 और 9 दो दिन थोड़ा सा फेर रहेगा। 10, 11, 12 तीन दिन फिर बारिश क्योंकि उसमें एक जो है विंड का जो है एक दिशा बदल रहा है। ये सीजनल चेंज है विंड का। लगातार बारिश और ओलावृष्टि से आलू की फसल पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है और तापमान भी सामान्य से जरा नीचे ही आ गया है। तापमान के उतार चढ़ाव के कारण लोगों को सर्दी खांसी और बुखार जैसी बीमारी का भी सामना करना पड़ रहा है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।